हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिलसाद एंड वेलकम टू टेक अनबॉक्स। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्लोविक ट्राइपॉड माउंट अडैप्टर क्लिप की छोटी सी अनबॉक्सिंग, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस क्लिप को आप किसी ट्राइपॉड पर प्रॉपरली कैसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अनबॉक्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, स्लोविक का ये ट्राइपॉड माउंट अडैप्टर छोटी सी बॉक्स पैकेजिंग में आता है। वैसे इसमें अनबॉक्सिंग जैसा कुछ है नहीं, फिर भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्राइपॉड माउंट क्लिप मेड इन इंडिया है और साथ ही काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है। फ्रेंड्स, ट्राइपॉड माउंट अडैप्टर क्लिप को मैंने अमेजन से 280 रुपये में बाय किया है, और अमेजन पे इसकी रेट 270 से 300 रुपये के समथिंग चलती रहती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये अनबॉक्स हो चुका है। मैं थोड़ा पास से जूम करके आपको क्वालिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ है। बिल्ड को क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, एंड ये इसका स्क्रू है जिससे आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और पीछे की तरफ ये इसका रोटेशन हेड दिया गया है जिससे इसके एंगल को आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। मैं इसे अनस्क्रू करके दिखाता हूँ आपको, और आप ऐसे इसके बिना भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ट्राइपॉड पे माउंट हो जाता है। ये नीचे की तरफ से भी आप डायरेक्टली इसे माउंट कर सकते हैं और बैक साइड से माउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हम्बल का ट्राइपॉड माउंट अडैप्टर मंगाया था, जिसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म था और जिसकी वजह से मुझे यूज करने में उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, और उससे मोबाइल डैमेज होने की भी स्थिति लग रही थी। चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्लिप को ट्राइपॉड पर माउंट करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अमेजन बेसिस का 15 इंच ट्राइपॉड है, जो कि कम बजट में काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं, आप जैसे ही मोबाइल होल्डर क्लिप को ट्राइपॉड के हेड पर डायरेक्टली माउंट करने की कोशिश करते हैं, तो ट्राइपॉड के हेड पर एक छोटी सी पिन लगी आती है, जिसकी वजह से ये मोबाइल होल्डर क्लिप ट्राइपॉड पर स्टक हो जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, इस पिन का यूज कैमरास के लिए होता है, इसे एंटी रोटेशन पिन भी कहा जाता है। इसकी वजह से कैमरा अपनी जगह पर लॉक हो जाता है और मूव नहीं करता है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अगर ज़बरदस्ती इस होल्डर को उस पर अटैच करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये पिन ब्रेक भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम ट्राइपॉड पर मोबाइल माउंट अडैप्टर को अटैच करने का सही तरीका देख लेते हैं, जिससे आपका ट्राइपॉड भी सेफ रहेगा एंड इजीली आप क्लिप को ट्राइपॉड पर अटैच कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ट्राइपॉड से क्विक रिलीज प्लेट को डीअटैच कर लेना है, और जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसके नीचे एक नोब आती है। आपको मोबाइल होल्डर को ऊपर अटैच करना है ट्राइपॉड पे बोल्ट पर, और नीचे से इसे नोब को स्क्रू कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, इस तरह आपको इसे टाइट करना है, और जैसे ही ये टाइट हो जाएगा, आपका मोबाइल होल्डर क्लिप पर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद आपको इस क्विक रिलीज प्लेट को ट्राइपॉड पर वापस लगा देना है। एंड फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से मोबाइल होल्डर क्लिप को ट्राइपॉड से वापस रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं और देखते हैं इस पे मोबाइल किस तरह अटैच किया जाता है और किस तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप स्क्रू को अपने मोबाइल की हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर ले और इसे टाइट कर ले, और पीछे के ट्राइपॉड हैंडल से आप इसे अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हैं इस तरह से, एंड इसे वापस टाइट करना ना भूलें, नहीं तो आपका मोबाइल डाउन जा सकता है। और इस स्क्रू से आप मोबाइल को 360 डिग्री का रोटेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप फ़ोन से वर्टिकल मोड में शूट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप ट्राइपॉड के हेड को लूज करके इसको टिल्ट करके फ़ोन को वर्टिकल मोड में ला सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके में फ्रेंड्स, आप ट्राइपॉड माउंट क्लिप के बैक स्क्रू को लूज करके फ़ोन को वर्टिकल मोड में ला सकते हैं, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है फ़ोन को वर्टिकल मोड में लाने का। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।